गाइस आज मैं जिस यूट्यूबर के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री के टॉप पे किसी दिन बैठा होगा और वो दिन दूर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ उसका नाम बताने से पहले मैं उसको उसके जो रिकॉर्ड्स हैं जो उसने अभी 2-3 दिनों में ही बनाए हैं आपको बता देता हूँ। फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल इन होल वर्ल्ड और रसबरी के पापा मतलब फ्लाइंग बीस्ट का दूसरा चैनल गेमिंग चैनल था उसका रिकॉर्ड उसने तोड़ा है और सबसे फास्टेस्ट 1 मिलियन उसने किया है और अभी तो वो इतने स्पीड से ग्रो भी हो रहा है और उसने अपनी पहली वीडियो में 5 मिलियन व्यूज कंप्लीट किए। ये रिकॉर्ड्स कम नहीं होते क्योंकि ये जो है बहुत मुश्किल होते हैं बंदों की सारी ज़िंदगी में 5 मिलियन व्यूज नहीं आते। इसके एक वीडियो में आए कि वो आपको मैं बता दूंगा पर वीडियो में आगे, पर अभी आप यही जान लो और इसका नाम मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। आज चलिए शुरू करते हैं। गाइस मेरा नाम है सुशील, आप देख रहे हैं गेमर बीस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज इस यूट्यूबर का नाम यहाँ तक बहुत सारे बंदे पता कर चुके होंगे और थंबनेल में भी फोटो से कुछ ना कुछ आइडिया तो लगा ही होगा। शातिर बंदे समझ गए होंगे, समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है। खैर ये है वन एंड ओनली द पीयूष, इनके चैनल का नाम है पीयूष जोशी गेमिंग। आप देख सकते हो इसने अभी इतनी वीडियोज डाली हैं तो इतने सब्सक्राइबर्स इतने व्यूज कैसे हो सकते हैं। जिसको इसका पास्ट नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये सौरभ जोशी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लॉगिंग चैनल इन इंडिया है उसमें मेन मतलब वन ऑफ द मेन करेक्टर है। सौरभ जोशी नाम है पर दोनों भाई मेन करेक्टर हैं और कुछ लोग तो पीयूष की वजह से व्लॉग्स देखते हैं तो इसलिए उसने वो जो मतलब वो है ना गेम की बहुत बातें करता था अन्य जो उसमें है ना व्लॉग्स में। और सौरभ जोशी ने वैसे ही किया इसको एक बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड बीस्ट अल्ट्रा मैक्स जो बोलोगे वैसा गेमिंग पीसी ला के दिया। आप देख सकते हो ये क्लिप यहाँ पर, आप देखो कि कैसा पीसी और टेक बर्नर ने बनवा के दिया था। तो टेक बर्नर की वीडियो से अब छोटा सा क्लिप मैं प्ले करता हूँ, आप देख लीजिए। फाइनली हमारे पार्ट्स हमने सेलेक्ट कर लिए हैं सौरभ भाई के लिए और क्योंकि भाई हमको भी थोड़ा सा अरे गलत पर्ची उठा ली किसी और की भाई एकदम सबसे तगड़ा वाला लिया भाई ने, बस थोड़े से गरीब हो गए बस अब खून के आंसू रोएंगे रात में भाई, अब वेट करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। अब सारे कंप्यूटर के पार्ट असेंबल होंगे भाई, अब मन को हमने मार लिया है। हमने ना बिल देखा, फिर हमने बैंक बैलेंस देखा, फिर हमने बोला मेरा कंप्यूटर भी चल ही रहा है। और गाइस अब आपने देख लिया होगा, जो समझदार इंसान होंगे जिनको पता होगा कि पीसी में कौन सी स्पेसिफिकेशन होती है आज के डेट में सबको ही पता होगा तो वो समझ गए होंगे कितना ऊपर वाला मतलब कितनी ऊपर लेवल वाला उसने बनाया है पीसी। तो अब वो उस पीसी में अपने फेवरेट गेम माइनक्राफ्ट जिसके लिए इतनी चीज़ें चाहिए भी नहीं होती पर सही है बना के दे दिया, हमारा क्या जा रहा है, हमारे पैसे तो थे नहीं पर हाँ, तो उस माइनक्राफ्ट उसमें जो माइनक्राफ्ट खेलता है वो रिकॉर्ड करके डालता है। और मैंने जैसे कि बताया कि उसकी ज़्यादातर जो व्लॉग्स में ऑडियंस थी वो थी उसकी, तो ज़्यादातर तो नहीं यहाँ पर कोई हेट नहीं है भाई, दोनों की मेहनत थी। पर वो जो 2 साल से व्लॉग्स में साथ था, मुझे पता है सौरभ भाई की बहुत सारी मेहनत है पर वो जो साथ था इसलिए उसको जो है बहुत सारे सपोर्ट मिल रहा है। पर अभी मुझे नहीं लगता क्योंकि ये सपोर्ट जैसे रसबरी के पापा को भी आना एक पॉइंट पे बंद हो गई थी, जैसे वो भी ब्लॉगर ही थे और वहाँ पर उनके अभी पता नहीं कितने सब्सक्राइबर हैं जब मैं ये बना रहा हूँ, पर 1 मिलियन तो प्लस ही है। तो उन्होंने अनकंसिस्टेंटली अपलोड कर अनकंसिस्टेंट रहे वहाँ पर। और पीयूष भी मतलब जैसे व्लॉग तो ऐसा है ना कि सौरभ जोशी बुखार हो नज़ला हो जुकाम हो वो बना लेता है, पर पीयूष का भी गोल है कि डेली रिकॉर्डिंग करूँगा, पर उसको खाली थोड़ा बुखार था तो उसने किया नहीं। तो ये आई थिंक दैट दिस इज़ द डाउनफॉल, मतलब ये चीज़ अगर नहीं करेगा तो वो दिन करीब है जब पीयूष जोशी गेमिंग विल बी द किंग ऑफ इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री। और ऐसा दिन भी आ सकता है जब पीयूष जोशी गेमिंग पूरे दुनिया पे टॉप पे बैठा हो गेमिंग में नहीं सब चीज़ों में। तो वी विल प्ले फॉर बेस्ट
जो वो चाहेगा वही सही होगा। और गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी, नई स्टाइल था, कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पिछली वीडियो में इतना अच्छा मतलब ख़तरनाक सपोर्ट यूट्यूबर्स लाइव वाली पर देने के लिए शुक्रिया। यहाँ पर अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको यहाँ पर सजेशन डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में दे दूँगा, याद से देख लेना। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय अलविदा एंड बाय। Those goosebumps every time I need the high.